एक तरफ जहां चुनाव आयोग से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जी जान से लोकसभा चुनाव को जिम्मेदारी के साथ सकुशल संपन्न कराने में लगे हैं, तो वहीं मऊ जनपद मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित रतनपुरा ब्लॉक के कर्मचारी और अधिकारी जैसे चुनाव नहीं मौज मस्ती करने आ रहे हैं। अब जरा रतनपुरा ब्लॉक का नजारा तो देखिए, जहां हर ओर गंदगी का अंबार लगा है। गंदगी को देखकर लगता नहीं कि सालों से कभी इस ब्लॉक में झाड़ू भी लगा हो। यही नहीं, ब्लॉक परिसर में बियर और शराब की बोतल खुलेआम देखने को मिलती है। हम लोग इसके लिए इनका करा रहे हैं किस तरीके से वेरिफिकेशन करा करके अगर जहाँ जो खामियाँ पाई जाती है उन खामियों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। कई जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है सर ब्लॉक में जी। बाहर से ही कोई व्यक्ति आके शौच करके गया है अंदर ब्लॉक में जी। खुली बाउंड्री है, इस वजह से वो शौच करके गया सर। क्या कहेंगे इस पर सर? तो इसको खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है इसके विषय में, तो वो अपने विकास खंड में देखें और इस तरीके की अगर कोई कार्रवाई या गंदगी होती है तो संबंधित ब्यूरो जो है कठोर कार्रवाई करें कि कौन व्यक्ति इसके लिए इस तरीके का रहा, और एक जिम्मेदार फिक्स कराएँ यू पंचायत के थ्रू कि लोग यहाँ पर रहें और करके देखें ऐसे काम नहीं होगा। तो ये आपके द्वारा जो है ये चीज़ हमारे संज्ञान में आई है, अब हम खंड विकास अधिकारी से इसमें बात करके और जो भी दोषी उनके विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए। ऐसे ही ब्लॉक के कर्मचारी हैं? नहीं, ब्लॉक कर्मचारी में नहीं। कहाँ के? बाहर का ही घर है आपका? हाँ हाँ, बाहर। यहाँ कुछ काम से आए थे क्या? नहीं, काम से नहीं आए थे, जा रहे थे। तो ब्लॉक में ही शौचालय कर दिया आपने? स्वच्छ भारत मिशन में हाथ बटाना चाहिए। बिल्कुल बटाना चाहिए। हाँ, कैसे ऐसे खुले में सोच करके? अब चलिए मान लीजिए कि गलती हो गई, अगर शौचालय बना होगा तो उधर देख लिया जाएगा। हाँ अगर बना हो तो भी कंप्यूटर देखे नहीं दे रहा है।